Welcome back. Now we are going for the last answer of the chapter, that is energy stored in capacitor. Capacitor में कितनी energy stored होती है वो अपने को find करना है. Okay? अब ये तो पता है capacitor से device में store charge and when you store charge you are storing energy. बराबर कि नहीं? तो चलो मैंने एक parallel plate capacitor ले लिया और उस parallel plate capacitor को एक battery से connect किया. बराबर है? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया. यहां से चार्जेस जा रहे हैं और ये चार्जेस जाके इस प्लेट पे फीड हो जाएंगे. बराबर है? जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे यहां पे उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे. यही हमने पढ़ा है. तो चार्जेस इस बैटरी से निकल के इस कैपेसिटर पे स्टोर हो रहे हैं. चार्जेस स्टोर हो रहे हैं. ठीक है? कब तक स्टोर होंगे? जब तक उनकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाएगी. बराबर है? एक बार उसकी कैपेसिटी फुल हो गई फिर उसमें कोई चार्ज स्टोर होने वाला नहीं है. बराबर? यह हमने पढ़ा हुआ है. नाउ लेट अस से क्यू इज टोटल चार्ज स्टोर. ओके, इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना स्टोर हो गया? क्यू. V is the potential difference across plate. C is the capacitance of capacitor. तो formula क्या बनेगा बच्चा? Q is equal to CV. बराबर है? Formula क्या बनेगा? Q is equal to CV. ये simple है. इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता. अभी उसकी कैपेसिटी फुल हो गई. इसके ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता. तो ये फाइनल स्टेज है. तो मैं इसको बोलता हूं बच्चों कि ये फाइनल स्टेज है. ये फाइनल स्टेज का वैल्यूज है. ठीक है? अभी सीन क्या हो रहा है कि जैसे इसमें चार्ज स्टोर हो रहा था, सबसे पहला चार्ज जब गया, सबसे पहला चार्ज, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि एक अगर प्लेट्स ले लिए, ओके, सबसे पहला चार्ज जब जाएगा तो अभी कोई वर्क नहीं करने वाला. पहला चार्ज तो इसी जाके स्टोर हो जाएगा. पर जब दूसरा चार्ज स्टोर होने जाएगा, जब दूसरा चार्ज स्टोर होने जाएगा तो क्या होएगा कि ये जो अंदर जाके ऑलरेडी चार्ज बैठा है वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. वो बोलेगा नहीं आनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये चार्ज अगर जा रहा है तो ये इसको रिपेल करने वाला है. तो जबरदस्ती करके वर्क करके इस चार्ज को इसमें डालना पड़ेगा. यस और नो? फिर दूसरा चार्ज आ गया. अभी दो जन अंदर बैठे, ये दोनों इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. जबरदस्ती करके डालना पड़ेगा. तो एवरी टाइम व्हेन आई एम एडिंग चार्ज टू द कैपेसिटर आई हैव टू डू वर्क. ये पहले ही बहुत बार बताया कि व्हेन एवर वी हैव टू एड चार्जेस टू द कैपेसिटर वी हैव टू डू वर्क. And who will give energy to the work? Because it is connected to battery. तो battery से energy खत्म हो रही है और क्या हो रहा है? Work कर रहा है. Now when work is done against force, that time energy stored in this capacitor. इस capacitor में energy store होगी और उस energy को हमें find करना है आज के derivation में. So now what we want to find? You want to find energy of capacitor. Energy stored in capacitor. तो सबसे पहले एनर्जी कैपेसिटर में क्यों स्टोर हो रही है समझा? कि जैसे जैसे आप चार्ज को फीड करोगे, एवरी टाइम व्हेन यू आर फीडिंग चार्ज टू द कैपेसिटर उसको अपोजिशन फेस होगा जो चार्जेस ऑलरेडी अंदर जाके बैठे. सो वी हैव टू डू वर्क टू पुश चार्ज इन दैट कैपेसिटर. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हमें फाइंड करनी है. ठीक है? अभी एक इंटरमीडिएट स्टेज लेते हैं. चलेगा? इंटरमीडिएट स्टेज मतलब जब मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था. ये फाइनल स्टेज है. मतलब यहां पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया. पर जब मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था, कोई बीच वाली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, यू वांट टू से इंटरमीडिएट, बीच वाली स्टेज, जब चार्जिंग हो रहा था तब मैं बोलता हूं लेट क्यू बी द चार्ज ऑन प्लेट. Let small b be the potential difference between the plates. Capacitance तो वही रहेगा. Capacitance थोड़ी change होगा. Capacitance ना charge पे depend करता है ना potential पे depend करता है. Capacitance किस पे depend करता है? हमने पढ़ा था. Capacitance किस पे depend करता है? Medium पे और geometric term पे. तो
तो वो तो कुछ चेंज नहीं कर रहे, जो कैपेसिटर वही है, तो सी तो वही रहने वाला। तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू सी वी। ये बात समझ में आ रहा है? ये इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, फाइनल स्टेज के लिए, ये इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, ये फाइनल स्टेज। अब सोचो मैं एक चार्ज लिया DQ, एक चार्ज लिया DQ और जाके मैं स्टोर कर रहा हूं, तो आई हैव टू डू सम वर्क। दैट वर्क इज V इंटू DQ, कि ये DQ चार्ज को जाके कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ये DQ चार्ज को कैपेसिटर में जाके स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, कितना? V इंटू DQ। अभी ये कहां से आया समझा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय चार्ज, याद है कि नहीं? इसी चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क क्या रहेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अभी पोटेंशियल कितना बना है? वी। चार्ज कौन सा जा रहा है? डी क्यू। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? वी इंटू डी क्यू। देयरफोर आई कैन राइट वर्क इज इक्वल टू Q by C, C को उधर लेके जाओ, into DQ। तो V के बदले मैंने Q by C सब्स्टिट्यूट कर दिया, चलेगा बच्चों? So this is a work done, this is a work done in storing this charge DQ। ये DQ चार्ज स्टोर करने के लिए मैंने कितना वर्क किया ना, वो मैंने फाइंड कर लिया। DQ चार्ज आपके स्टोर करने के लिए मैंने कितना वर्क किया, मैंने फाइंड किया। भाई मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है, मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन To store charge from zero to Q, क्योंकि हम Q तक store करने वाले हैं, ये मेरी final stage है। तो start में zero से करूंगा, Q तक store करूंगा। तो अगर मुझे total work done चाहिए, तो हम क्या करने वाले, याद है क्या? छोटा work done भी लिया, छोटा work done से बड़ा work done चाहिए, क्या करेंगे? Integrate करेंगे from zero to Q। तो ऐसे में सारे छोटे 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 वर्कडन को मैं ऐड करूंगा, तो मुझे टोटल वर्कडन मिलेगा। तो टोटल वर्कडन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्कडन, दिस इज व्हाट वी डिड अर्लियर आल्सो। ठीक है, वर्कडन का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वर्कडन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू, क्यू बाय वी, क्यू बाय, सॉरी, क्यू बाय सी डी क्यू। जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन सी बाहर आ गया। फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू, बराबर है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, फॉर्मूला क्या है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्यू का पावर वन है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू अपॉन टू। तो क्यू के लिए फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट डालूंगा क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट ऊपर डालो, लोअर लिमिट नीचे डालो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू वन बाई सी, डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, पहला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोला कि नहीं? ये तो जीरो कैंसिल हो गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी। जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी, तो फाइनली देयरफॉर एनर्जी का फॉर्मूला आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। आई होप देयर इज नो डाउट, इट इज वेरी सिंपल। अभी Q को आप CV भी डाल सकते हो, Q को आप CV डाल दोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, बराबर है कि नहीं? Q के बदले अगर आपने CV डाल दिया तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C ये कैंसिल हो गया, तो इसको हाफ CV स्क्वायर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाय 2C याद रखो, या फिर हाफ CV स्क्वायर याद रखो, या फिर वी कैन डू वन थिंग, Q स्क्वायर अपॉन इन प्लेस ऑफ C वी कैन राइट Q बाय V। देखो ना, C के बदले Q बाय V डाल सकते हैं, तो C के बदले अगर मैंने Q बाय V डाल दिया, एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ, ये V ऊपर जाएगा क्यू। तो बच्चों ये तीनों भी एनर्जी के फॉर्मूले आपको तीनों भी याद रखने, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी है, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर है, या फिर हाफ क्यू भी है, तीनों भी फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला ही, जब आप सम सॉल्व करोगे डिपेंडिंग अपॉन डेटा आपको फॉर्मूला यूज करना है।
ज्यादा करके मैं हाफ सीवी स्क्वायर ही यूज करता हूं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या लिखा हुआ है. ओके देखो बच्चों, बहुत सिंपल डेरिवेशन, सिर्फ आपको फील करने को आना चाहिए, सबको आपको वो फील करने को आना चाहिए कि क्या सिचुएशन है. हमें फाइंड करना था कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, मतलब हमें फाइंड करना है कि इस कैपेसिटर में चार्जेस को डालने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, इस कैपेसिटर में चार्जेस को डालने के लिए कितना वर्क करना पड़ा. तो मैंने कितने चार्जेस डाले, क्यू, पोटेंशियल कितना बना, वी, है ना, कैपेसिटर सी है सपोज, तो ये क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये फाइनल स्टेज है. तो ये स्टेज पे पहुंचने के लिए कितना वर्क करना पड़ा ये मुझे कैलकुलेट करना था. तो मैंने क्या बोला है कि इंटरमीडिएट स्टेज ले लिया जब हम चार्जिंग कर रहे थे, तभी उसमें चार्जेस सपोज क्यू थे, पोटेंशियल वी बना पड़ा था, और मैंने एक छोटे चार्ज जाने के लिए, छोटे चार्ज को लेके जाने कितना वर्क करना पड़ता है वो फाइंड किया. एक बार स्मॉल वर्क डन मिल गया, फिर आप इंटीग्रेट करो, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा. इट इज सो सिंपल. सी द डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट योर राइटिंग नियरली 4 to 5 times. लिख के लर्न करो, बहुत अच्छे से लर्न करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख के जितना लर्न करोगे उतना अच्छा है. और फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही है, क्योंकि अपने को सम सॉल्व करना है इसके ऊपर, ठीक है. तो ये बहुत अच्छे से करना, और सी टू डैट यू आर एबल टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम. इतने हद तक पढ़ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.